हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिकेसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो 11th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही चल रही थी, तो उसके हमने जो चैप्टर नंबर 7 था उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया था। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 8 है लागत की अवधारणा, तो वहाँ पर हम देखेंगे और इसका पार्ट 2। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आप लोग आके वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और आज की वीडियो मतलब इस पार्ट को स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्या करें कि जाके फर्स्ट पार्ट को देखिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे के सारे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ उसमें, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि लागत किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस को हमने कवर किया था। फिर हमने देखा था कि लागत के कितने प्रकार होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निहित लागत किसे कहते हैं, स्पष्ट लागत किसे कहते हैं, विक्रय लागत किसे कहते हैं, और आपका फिर वहां पर क्या था कि उत्पादन लागत किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और हमने उसी में कवर किया था कि अल्पकालीन लागतें क्या होती और आपकी दीर्घकालीन लागतें, तो वो सारे के सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था। अच्छा, आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो अगर आप मुझसे ऐसा कोई स्टूडेंट है, मानते हैं कि अगर कोई ट्वेल्थ का बच्चा भी हमारी वीडियो को देख रहा हो, तो उसे तो ट्वेल्थ की वीडियो चाहिए, तो आप लोग क्या करो, वहाँ पर प्ले लिस्ट को हमारे चेक करो और वहाँ से आपको ट्वेल्थ के सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो आप वहाँ ट्वेल्थ की वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, उसको पूरा मतलब उसके पूरे डिटेल में कवर करेंगे कि आपका कुल लागत, कुल परिवर्तनीय लागत क्या होता है, कुल स्थिर लागत क्या होती है, कुल लागत क्या होती है, ये चीज़ समझना, उसके टेबल्स को देखना और डायग्राम को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लागत के प्रकार मैंने बना रखे हैं। पहला कुल परिवर्तनीय लागत क्या होता है, समझना ध्यान से। कुल परिवर्तनीय लागत का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल से कह सकते हो कि कुल परिवर्तनीय लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती और उत्पादन के घटने पर घटती है। तो आप मतलब कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आपका प्रोडक्शन घटता है तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वो घटेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखो TVC का फॉर्मूला, मतलब कि कुल परिवर्तनीय लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, TVC, तो माइनस क्या होगा TC माइनस आपका TFC। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद करना है, आप इसको कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब आगे चल के हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर ये सारी चीज हमें डिटेल में समझ में आनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं, तो कुल स्थिर लागत का मतलब क्या होता है, देखो कि कुल स्थिर लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर ना तो बढ़ती है और जो उत्पादन के घटने पर ना तो घटती है। अभी इन तीनों को हम टेबल के द्वारा देखेंगे डिटेल में, तो आपको बस ये डेफिनेशन को समझना है कि कुल जो कुल स्थिर लागत होती है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी वो फिक्स रहेगी, अगर आपका प्रोडक्शन घटेगा तो भी वो फिक्स रहेगी, मतलब आपका कंपलसरी वो उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा कह रहा है कि आपका कुल लागत किसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट। आप सिंपल कह सकते हो कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, कुल लागत। तो ये हमारी इनकी डेफिनेशंस थी। अब इनको हम थोड़ा सा टेबल के द्वारा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो आप टेबल को देखें, यहाँ पर हमने किस चीज़ को ले लिया, हमने इकाई को यहाँ पर मान लिया है कि इकाई आपका 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हमारी इकाई 1 पर देखिए आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल 0। क्या हो रहा है कि इकाई 1 पे जो हमारा प्रोडक्शन है क्या, वो बिल्कुल 0। लेकिन वहाँ पर अब आप जो सोचो कि अगर आप मार्कर बनाओगे, मार्कर आप बिल्कुल बना नहीं रहे, लेकिन आपने मशीनें तो लाई होगी, तो मशीनों पर खर्चा ऑलरेडी आ चुका है। तो बस वही समझना कि अगर आपका उत्पादन 0 है तो भी आपका जो TFC क्या रहेगा, वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो खर्चा ऑलरेडी किस पे, मशीनों पर आ चुका है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले आपने कुछ नहीं किया तो आपका कॉस्ट 0 आई थी, आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट किया तो वहाँ पर आपकी जो लागत आई वो 10 आई थी, 2 किया, लागत आपकी सेम है। अब सेम एज इट इज़ आप देख सकते हो कि जो आपका TVC है, तो अगर आपका प्रोडक्शन आपने 0 किया तो कोई कॉस्ट आएगी नहीं आएगी। सिंपल ही बात है कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं तो उसका खर्चा नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका TVC। हमने प्रोडक्शन कितना 1 यूनिट किया तो हमारा खर्चा कितना आ गया,
10, हमने 2 किया तो हमारा खर्चा है 2, प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है। तो यही आपको समझना है कि जो आपका टीएफसी होता है वो उत्पादन के बढ़ने पर या घटने पर ना तो बढ़ता है या तो ना तो घटता है। दूसरे गए कि अगर टीवीसी अगर आपका उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो टीवीसी की जो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी लागत क्या होगी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन घटेगा तो उसकी लागत क्या होगी कम होगी। अब इन दोनों को हमने सम कर दिया, टोटल ऐड कर दिया, तो आपका 10 होगा, फिर आप 20 हो गया, ये आपका 28 हो गया, ये आपका कितना 34 हो गया, ये आपका कितना 42 और ये आपका 46। तो ये हमारा क्या था कि टीवीसी और टीसी और टीएफसी का टेबल था। तो अब इस टेबल को क्या करना है कि हमें एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना, और आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ पर बना चुका हो, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपका जो टीएफसी है टेबल के अकॉर्डिंग वो क्या है, बिल्कुल आपका फिक्स है। क्यों है? अब मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन 1000 हो या 0 हो तो वो आपका फिक्स रहेगा। तो जैसे कि हमारा प्रोडक्शन क्या 0 होता है, लेकिन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ चुकी थी कितनी 10। और यहाँ पर देखो कि आपका जब हमारा प्रोडक्शन 0 होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी 0, यहाँ पर हमने देखा था। और जैसे हमारा प्रोडक्शन देखो प्रोडक्शन क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या होती है लगातार बढ़ रही थी। दूसरा क्या कि आपका जो यहाँ पर आपका थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, आपका क्या होता है, ये आपका टीसी होता है, क्या होता है आपका टीसी। और टीसी देखो क्या होता है कि अगर अब जो आपका टीवीसी और टीएफसी के जो अगर ऐड कर दोगे तो दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं टीसी। तो टीसी, अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि सर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पैरलर क्यों है, तो आपको यही बारीकी से समझना, जो उनके बीच में जो गैप आ रहा है, जो उनके बीच में पैरलर आने का रीज़न क्या हुआ आपका टीएफसी है, क्योंकि टीएफसी हर एक प्रोडक्शन के साथ क्या है, अगर आपका प्रोडक्शन 3 यूनिट भी हुआ है तो उसके साथ वो फिक्स है, अगर 4 भी हो तो भी फिक्स है, और अगर आपका 0 है तो भी आपका जो टीएफसी की वैल्यू क्या है वो बिल्कुल फिक्स है। तो ये हमारा क्या था डायग्राम। तो पेपर में कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो बस आपको वही बताना है कि मैंने आपको बताया कि जो टीसी होता है, पहला संबंध देखिए कि जो टीसी होता है वो टीएफसी तथा टीवीसी का जोड़ होती है। मतलब कि अगर आपको टीसी निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करिए टीवीसी और टीसी को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा टीसी। दूसरा कह रहे हैं कि टीवीसी, हाँ टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कह सकते हो, कुल परिवर्तनीय लागत उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है तथा उत्पादन के घटने पर घटती है। अगर आपका उत्पादन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी घटेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि जो टीएफसी और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या होगा, टोटल मतलब टीएफसी उत्पादन के बढ़ने पर ना तो बढ़ती है और उत्पादन के घटने पर ना तो घटती, वो आपका हमेशा क्या रहेगा स्थिर रहेगी, ये हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है कह रहे हैं कि टीसी तथा टीवीसी एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये दोनों स्थिर क्यों होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपल ही बात है, स्थिर होने का, दोनों एक दूसरे के पैरलर होने का रीज़न क्या है आपका टीएफसी है। तो ये हमारा क्या था कि 6 नंबर का जो टॉपिक था हमने इसको कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप लोग के इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो करिए, वहाँ पर अपने डाउट्स को बताइए, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।